अब वीडियो आ रहा है, दोनों हाँ साइड आ रहा है मेरा। हम्म। फाइनली डिलेट था बहुत। तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड सॉरी फॉर द डिले, मे बी सम टेक्निकल इश्यू गोइंग फ्रॉम द लास्ट हाफ एन आवर, एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द डिले। इट्स नॉट इन आवर हैंड, आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम एंड करो। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। बेसिकली एवरी सैटरडे वी विल डिस्कस ऑन एलन्स की नोट, मे बी सम मिस आउट ड्यू टू क्लिनिक वेबिनार एंड ऑनलाइन पेशेंट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलन्स की नोट्स, एकोनाइट, टू रेमेडी वी ऑलरेडी डिस्कस अब फ्रॉम एलन्स की नोट, अब्रोटेनम एंड एसिटिक एसिड। तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंस ऑफ एलन्स की नोट एंड एकोनाइट। सो एंड वी विल डिस्कस विथ डॉक्टर एल एम खान सर। सो अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। सॉरी इतना आधा घंटा से आपको वो वेट करा के, वो थोड़ा प्रॉब्लम नेट मोबाइल का इशू हो रहा था कुछ, और सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलन्स की नोट का। एकोनाइट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और पहले एलन्स की नोट में जैसे कि पापा स्टार्टिंग जो होता है हर मेडिसिन का, जो आपने बताया हमें कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है, सो तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है, स्पेशली गर्ल्स फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ। और ये लिखा हुआ इंडिकेटेड एक्यूट और रिसेंट केसेस अकरिंग इन यंग पर्सन। तो प्लेथोरिक हैबिट और प्लेथोरिक पर्सन किसको हम लोग समझेंगे, स्पेशली यंग में? मतलब होता है जी जो पर्सन फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ रेडनेस होता है, फुल ऑफ एग्जिबिटिंग पावर, खुशी, खिलता हुआ जो होता है, एकदम सुस्त, काहिल, डल नहीं, एकदम एक्टिव। पहले थोड़ा के मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड। तो जिस केस के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड मतलब शाम फुलनेस रहेगा, रेडनेस रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, चीयरफुलनेस रहेगा, दैट इज प्लेथोरिक हैबिट और प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्ते सर, प्रणाम। जी 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 जी, अच्छा लगा देख के। जी सर, तो मोस्टली ऐसे केसेस, ऐसे यंग पर्सन को हम लोग प्लेथोरिक समझेंगे। तो अगर ये इसमें जो ये बात है पापा की, जैसे ये कह रहे यंग पर्सन, अगर ये ओल्ड पर्सन में भी अगर ऐसा प्लेथोरिक पर्सन हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है। जी, ओल्ड केस के अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, तो प्लेथोरा का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कम हो जाता है। काम आएगा, ऐसी बात
नहीं कि जब इंडिकेशंस रहेगा एकोनाइट का तो बहुत काम आता है बहुत, लेकिन वो जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में किरण साहब, वो वाली बात नहीं रहेगी। हमने, मुझको नहीं मिला है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। ये मोस्टली ज्यादातर यंग जो पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, यंग, फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एनर्जी, ये पहले थोड़ा की बात आती है। अब इसके अंदर इंडिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ ये, उसके बाद इंडिकेशन मिल जाता है तो हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सेडेंटरी लाइफ पापा, वो जो किसको ये हम लोग समझेंगे सेडेंटरी लाइफ? जी बात जी, आराम तलब जिंदगी, बस ज्यादा कुछ नहीं, आराम तलब जिंदगी, बिना टेंशन का, बिना फिक्र का, बिना परेशानी की जो लाइफ होती है, बिना कोई मेहनत का, ऐसे लोगों में एक ओनाइट बहुत फुल डेवलप होके आता है और हम लोग को बहुत अच्छा टिपिकल एक ओनाइट ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। और इसी तरह का लेटर स्टेज में कोई मिलता है तो उसमें नग्न भूमिका में मिलता है। अच्छा पापा, ये जो सेडेंटरी लाइफ वाली जो बात है, जैसे कि एक प्रोफेशनल, जैसे कि हम लोग एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर जो एक सिर्फ क्लिनिक, अगर वो गाड़ी से भी जाए और सिर्फ क्लिनिक में बैठे फिर बैठ के आ जाए, तो ये भी सिर्फ जो सिंपल बैठ के जो काम होता है मोस्टली, तो वो सेडेंटरी। जी, बहुत सारे जो बिजी प्रैक्टिशनर होते हैं जिनके पास खाने और पेशेंट देखने के सिवा और कोई टाइम नहीं है, सोना भी उनके के लिए तकलीफदा हो जाता है, नहीं मिलता है, टेंशन रहती है, ऐसे में एक नाइट से हटके थोड़ा सा नग्नभूमिका की तरफ चला जाता है। और एक नाइट में जो टिपिकली सेडेंटरी लाइफ जो होता है वो एक नाइट दूर है काम काज से, बस बहुत आराम, एक लफ्ज आराम तलब जिंदगी। अब तुम पूछोगे कि ऐसे किस में हम लोग कैसे पकड़ते हैं, कोई तो बोलेगा नहीं कि मेरी सेडेंटरी लाइफ है। चेहरा गोल मटोल होगा, हाथ छू के देखोगे ना रफ नहीं होगा, मुलायम, काम ही नहीं किया, कुछ छूछा ही नहीं किया, तो ऐसे में थोड़ा हम लोग का शक चला जाता है। और उसका दूसरा थोड़ा जो एक्टिविटी देखते हैं तो आ जाता है कि ये मोटा मोटी एकोनाइट के प्रिस्क्रिप्शन के लायक है। बस उसमें जो मेंटल सिम्टम अगर मिल जाता है, व्हाटएवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, दो चीज याद रखना एकोनाइट की प्रिस्क्राइबिंग के लिए, एक उसका कॉज, कॉज मिल जाए मेंटल मिल जाए परवाह नहीं करना क्या क्या बीमारी है, हम सिर्फ यही देखते हैं कॉज मिल गया मुझको। और जैसे बहुत सारे केसेस में देखते हो कि बहुत सा मेडिसिन फेल कर रहा फिर भी हमें कोनाइट देते, हाइपरपायरेक्सिया हो रहा है, देखा मैंने, क्या देखा, कॉज क्या है, बस वहां अगर मेंटल मिल गया लाजवाब, लेकिन एक्यूट फेज में हम ज्यादातर उसके कॉज को बहुत ज्यादा इम्पोर्ट देते हैं, स्पेशली एटमॉस्फेरिक एंड सराउंडिंग्स का जो, बस। अच्छा, और एक चीज पापा, एलन स्कीनोट में आपने मुझे मार्क करवाया था, जैसे लिखा हुआ हुड लीड अ सेडेंटरी लाइफ, ये इटैलिक में है, लेकिन आपने मुझे वो छोड़ के एक मार्क कराया मुझे, पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज, इजिली इजिली मुराद एक हम एक एक मिसाल कराया था मुझे, पर्सन इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज। अब तुमको हम इजीली बहुत तरह से एक्सप्लेन करते हैं, खाली इजीली बोलेंगे तो कम से कम पूरा एक डेढ़ घंटा निकल जाएगा,
एक एक मिसाल बताते हैं। आप लोगों ने डॉक्टर सुनिर्मल सरकार साहब का नाम सुना है, ये बहुत सारे लोग सुने होंगे, ये शशांक भी देखा है सुना है। तो हम लोग कभी जब बैठते हैं तो बात करते थे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते थे, डिजीज के ड्रग के बारे में बात करते थे। तो एक दिन उसने कहा मुझको, अपने फादर, उसके फादर भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो वो बोला एक दिन हमको, अपने फादर का केस सुनाया हमको, इसमें क्या था, बच्चा पैदा हुआ पेशाब बंद, बहुत परेशान। इसके फादर उस जमाने में प्रैक्टिस करते थे, उनको दिखाया गया तो उन्होंने एक नाइट दिया, ओके नाइट देने के बाद फट से पेशाब हो गया, ये हो गया, वो सुना दिया, सब कुछ हो गया। अब सरकार से हम जब भी मिलते थे, जब हम यही पूछते थे, सरकार वो तू अपने फादर वाला एक नाइट वाला केस बोलो तो हमको, बोल देता था बेचारा वो। फिर कभी कोई मुलाकात, अरे सरकार वो अपने फादर वाला केस हमको बोलना तो एक नाइट वाला। फिर एक दिन झंझला के हमको बोल, अरे लालदा मतलब बंगला में बोला, तुम इतने बार बार वही केस का पूछता है तू। तब हम समझ गए कि ये जो एलियंस की नोट की ब्यूटी है, उसकी गहराई नहीं पहुंची है। हमको कोई अगर 1000 बार एक यूनाइट का ये उसके फादर वाला केस कोई हमको भूलता रहेगा, तो हम उसको ना नहीं कहेंगे कि बंद कर दो। तो जिसके उसकी माँ के से पूछो, जिसके बच्चे का पेशाब बंद हुआ है, उसके बाप से पूछो, उसके बच्चे का जो पेशाब बंद हुआ है, उसके घर का माहौल पूछो, उसके पेशाब बंद होने का, डॉक्टरों का जो कौन ये आ रहा फोन, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा ऑपरेशन होगा, सबके दिल से पूछो। जबकि दिल के पूछे तो एक नाइट की तरफ किसी का आंख नहीं जाता, सिर्फ श्रीमती सरकार के बाप का जाएगा। वाह, क्या बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्लासिकल होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग करना चाहता है, उसी को हो जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ये जो इजीली, क्या फिर एक बार पढ़ो लाइन को, फिर से पर्सन इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज, पर्सन फिर से बोलो, इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जब पेट में बच्चा रहता है ना, तो उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, उसकी दुनिया होती है, और जैसे ही वो बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है, इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज। यहाँ का कैसा था और यहाँ का कैसा होगा, पेशाब रुक जाएगा, दुनिया का हर तरह का बीमारी हो सकता है। हम तो पेशाब का एक एग्जांपल देते हैं, दैट इज a deep meaning, understanding and perceiving of the easily affected by the atmospheric changes. बस ये याद रखना, हम बहुत सारे केसेस अर्ली लाइफ में फोन पे सुनते थे, उस जमाने में ये मोबाइल फोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन होता था बड़ा भद्दा सा, उस पर फोन आता था, भाई बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका ये हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है स्कूल नहीं हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है पेशाब नहीं हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है रो ही रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ ये हुआ वो हुआ, हम चुप चाप एक नाइट 200। कोई दुनिया का दवा काम नहीं करेगा एक्सेप्ट एक नाइट एक नाइट एक नाइट। ये जो खूबसूरती ये पहले के बंगाल के जो प्रिस्क्राइबर हुआ करते थे उनके हाथों में था, और आज के जमाने के जो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे प्रिस्क्राइबर हैं, इस ब्यूटी को वो लोग समझ नहीं पाते। तो इजली का मतलब जैसे ही जन्म हो के बाहर निकला पेशाब बंद हो गया,
कुछ भी बंद हो सकता है, कुछ भी खुल सकता है. दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इजली एटमोस्फेरिक चेंज. इजली, बहुत आसानी से, दो चार दस घंटे की बात नहीं है. इजली बाहर निकला, खत्म. हमने तो बहुत सारे ऐसे केसेस में जहां कुछ भी नहीं समझ में आता है और जहां समझा बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस रुक रहा है, एको नाइट मार, लाजवाब रिजल्ट होता है. मतलब जादू. और आज भी हमको अगर सरकार मिलेगा तो एक बार हम फिर बोलेंगे, ए सरकार, तुम हमको फिर वही अपने फादर का वो केस सुनाओ. उसके फादर के केस में मुझको जो होम्योपैथी की खुशबू लगती है, वो जो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं लोग क्लासिकल प्रिस्क्राइबिंग की, ये बंगाल के सॉइल के सवाल कहीं नहीं मिलेगा. अब आपको क्लियर हो गई, इसलिए एटमॉस्फेयर एक. नंबर दो, एटमॉस्फेयर का चेंजेस आया, सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, फीवर हो गया, ये सबसे ज्यादा यही होता है. सबसे पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन होता है वो फीवर का. बाहर जा रहे थे, झटका लगा, झोंका लगा हवा का, घर आए, तीन दिन के बाद नहीं, ब्राइनिया, गिल्सीमियम. इजली एटमोस्फेरिक चेंजेस. अभी बाहर से निकल के आए, घर में आए और चीखा और बुखार, बुखार भी हाइपर पायरेक्सिया. तो हम बहुत सारे केसेस में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखते, देखो वो नहीं एटॉनिक में होने के बावजूद भी हमने तुमको मार्क लगवा के रखा है. और अभी एक किताब यहाँ और है मेरे सामने, उस पर भी हम मार्क लगा देंगे. इजली, इजली को खाली समझ लो, बहुत आसानी के साथ चलते फिरते हम निकल रहे, हवा का झोंका लग गया, खटास, जरा बैठे बैठे हम खिड़की की तरफ झांक दिया, हवा लग गया, खलास. इजली एटमोस्फेरिक चेंजेस. देखो प्रॉब्लम क्या है ना, लगता है कि एलेंस की नोट का एक छोटा सा लाइन है या दो तीन वर्ड है, लेकिन वो खुद अंदर अंदर एक सारी दुनिया प्रिस्क्राइबिंग की छुपा के रखता है. ये लोग शशांक वशांक और भी लोग थे जब हमारे साथ एनआईएच में ये लोग बैठते थे, क्या बोलते हैं, ओपीडी में, कैसा कैसा जादू देखने को मिलता था. वो सही मानों में वो जमाना, जो लोग मेरे साथ थे उनके लिए भी, एनआईएच के लिए भी और मेरे लिए भी, अ गोल्डन टाइम, सुनहरा जमाना था. अब आ गए आज वो इसी तरह की बात है. और गेनन में वो कहता है अफोरिज्म सेकंड का लास्ट लाइन, इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स. वो इजली को हमेशा हर जगह आसानी के साथ, जिस पर तुम प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो आसानी के साथ तुमको समझ में आना चाहिए और आसानी के साथ तुम किसी को समझा सको. हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि मेरा बुखार था, ठीक हो गया, बाबा फूक के पानी दिया था, पानी पिया, मेरा ठीक हो गया. अब वो बाबा और तुम दोनों ही नहीं बता सकोगे कि उस पानी में क्या था, कुछ नहीं मिलेगा. ये जो इजली की आसानी के साथ समझ, ये इसलिए ठीक हुआ कि एक ओनाइट का सिम्टम है और प्रूविंग में एक ओनाइट मिला था, खत्म बात. इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, इजली एटमोस्फेरिक चेंजेस. और पूछो, इसमें तुमको शक है तो और इसको एक्सप्लेन कर देंगे. नहीं नहीं, वो मार्किंग का इंपॉर्टेंस आज समझ में आ गया, वो जो मार्क है, मार्किंग. सुनो, ऐसा है कि एलेंस की नोट में जो एलेंस ने दिया है वो बोल्ड दिया, वो उसके नजर में बोल्ड था. इटालिक दिया, वो उसके नजर में इटालिक था. मैंने जो मार्क कराया वो मेरी नजर में था. तो हर
मेंटेनेंस की नोट का जानने वाला का अपना एक्सपीरियंस एक होता है, वो उसके अंदर होता है। जैसे अभी ये सब थोड़ा थोड़ा करके हम अलग लिख रहे हैं, एंड आई एम गिविंग द टाइटल द विजडम ऑफ एलेंस की नोट। बहुत सी छोटी छोटी बातें जो दूसरे के लिए लगता है पढ़ के 10 दफा निकल जाते हैं, समझ के 1 दफा निकलो तब ब्यूटी होती है एलेंस की नोट की। लोग बहुत जगह लोग एलेंस की नोट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि एक सिम्टम है ऐसा। अरे कहाँ एक सिम्टम है, तुमको नजर आ रहा तो उसमें मेरी खराबी क्या है? ठीक है जी, बताओ और क्या पूछना चाहते हो? एक सिम्टम था पापा, आपने मुझे गरंसी से एक बार बताया था, आप पढ़ रहे थे तो उसने उस वक्त आपने मुझे मार्क करके दिखाया था, एक सिम्टम बताया था कि एकोनाइट का एक सिम्टम है एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन परस्पिरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेक्स परस्पिरेशन। उसमें आपने बताया कि अगर ये होने के बाद आज भी बताते हैं तुम्हारे पास जो छोटे बच्चों का केस आए, माँ नहीं बोलेगी तुमको किसको स्वेटिंग हो रहा था, इसको पावा लगा, ये तुम पूछोगे। और ये एक ऐसा सिम्टम है 90% छोटे बच्चों के केस में, मोटे बच्चों के केस में, जवान जो पहले थोड़ी होते एक्टिव वाले के, ये तुमको मिलेगा ही। बहुत पसीना था नहा लिया, बहुत पसीना था खुली हवा में बैठ गए, बहुत पसीना था कपड़ा उपड़ा उतार के फेंक दिया, उसके बाद जो बीमार पड़ा तो पड़ा ही। उसमें आपने बताया था, बोलो उसमें आपने बताया था कि गरंसी की बात लेके आपने कहा था कि ये होने के बाद इफ क्रॉनिक डिजीज अगर उसमें भी डेवलप होता है, चाहे वो हार्ट का हो, लंग्स का हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, तो इट एकोनाइट ओनली मेडिसिन रिमूव द ऑल डिजीज एंड द सिम्टम सिर्फ एकोनाइट। और मैंने देखा है उन्होंने साहब के पास, डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती साहब के पास एक टाइफाइड का केस था, सब कुछ हो रहा था, सब प्रिस्क्रिप्शन हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था, किसकी नजर जाए एक नाइट पे, 21 दिन से ज्यादा क्रॉस हो गया, आज की कल की बात थी। तो सर ने पूछा और वही बात लगी कि जब ये पहले इसको बैठ के था तो इसका पूरा जिस्म गर्मी का वक्त था, ये खिड़की खोल दिया वहां बैठ गया, तो थोड़ी देर के बाद ही उसको डल होना शुरू हुआ और हाइपर पायरेक्सिया हो गया। अब हाइपर पायरेक्सिया के बाद तरह तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी फलाना चिलाना करते करते जैसे जैसे बढ़ता गया टाइफाइड होता गया। जब रेयर स्टेज में हम लोगों को केस मिला तो वो टाइफाइड था, नोबडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द एकोनाइट ओनली बिकॉज दैट वी हैव नो आई नो विजन टू लुक बैक फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग इज अनामनेसिस द ब्यूटी ऑफ अनामनेसिस, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं रॉयल रोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो उसमें ये मिलने के बाद उनको 200 मैंने देखा था, सर ने उनको दिया था, उसके बाद उसका कोई बुखार उखार सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास जल्दी है और जल्दी जो है सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है, इंटेलेक्चुअल पावर को खत्म कर देता है, आर्टिस्टिक मेंटालिटी को डल कर देता है। Prescribing is required only one thing, peace, calmness and seriousness. जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, तो उसमें इसी तरह एक बार कभी कभी बहुत मूड में रहते थे मुजुमदार साहब, तो पूछते थे when you are able to prescribe aconite in chronic cases, chronic diseases मत बोलना, क्रॉनिक एक लफ्ज होता है जो ओरिजिन होता है कोरोना से, और कोरोना
ना के मतलब होता है टाइम। जहां टाइम फैक्टर है वो क्रॉनिक डिजीज है, और जहां पर माइज्मेटिक फैक्टर है वहां क्रॉनिक डिजीजेज है। तो एकोनाइट में यहां पर क्रॉनिक डिजीजेज की बात नहीं है, माइज्मेटिक की बात नहीं है, ड्यूरेशन की बात है। जितना भी ड्यूरेशन हो जाए अगर डिजीज कॉज्ड बाय एकोनाइट कॉज, तो जब आपको मिले जब आप दे दो, एकोनाइट बाउंड टू वर्क। हम लोग की एलियंस की नोट को या कोई भी ऐसी किताबों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इन चीजों को बहुत डीपली मतलब दिमाग में एकदम छाप देना चाहिए अपने स्टूडेंट लोग। नहीं छापने से वजह से क्या होता है, वो लोग कच्चे पच्चे रह जाते हैं और उनकी जिंदगी में ये ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग लॉस्ट हो जाते हैं। एकोनाइट जितना अच्छा एक्यूट में प्रिस्क्राइबिंग होता है उतना ही अच्छा बहुत दिनों के बाद भी केस आता है। अगर उसमें क्या मिलेगा, कॉज मिलेगा एकोनाइट। और जितना दिन का पुराना हो जाए अगर मेरे पास कॉज और उसका मेंटल सिम्टम जो फेयर है अगर मिल जाता है, तो अगर कैंसर में भी होगा तो हम पहले उसको नाइट प्रिस्क्राइबिंग करें। और आपको याद नहीं होगा आप उस वक्त बहुत छोटे थे, यहाँ क्लिनिक में एक पेशेंट आया करता था, ये इधर बंगला की तरफ से, वो कहता था कि उसकी गले का या स्टोमक का कैंसर था। वो आया और हमने देखने के बाद सुनने के बाद समझने के बाद प्रिस्क्राइब किया एकोनाइट। अब सोचो कि कोई आदमी ये देख रहा कि कैंसर जैसा डिजीज उसमें कैसे ही लोग एकोनाइट किया। हमने कहा अभी सुनना चाहते हो, रिजल्ट के बाद सुनना चाहते हो, तो खामोश हो गए। हमने कहा ऐसा करो रिजल्ट तक का वेट करो, और इन लोगों ने रिजल्ट का वेट किया। ठीक 10 या 15 दिन के बाद मैंने बुलाया था, मार्वलेस रिजल्ट, इतना शानदार रिजल्ट, इतना सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट कि पेशेंट खुद भी परेशान था, खाना पीना नींद चैन सुकून सब खत्म हो चुका था। क्या मैंने देखा, मैंने यही देखा उसका डर, नहीं बचेंगे डॉक्टर साहब, नहीं बचेंगे, अब क्यों दवा दे रहे, ये लोग हमारे घर के बच्चे परेशान करते हैं, ऐसा बीमारी कोई बचता है इसमें। बार बार खर्च पूछो तो बार बार यही बोलता था, क्या बचेंगे अब, बस सबने सब सोचा, मैंने एक नाइट सोचा और बहुत शानदार तरीके से 1-1.5 बरस तक चलता रहा। बीच बीच में कोई कोई ऐसे मेडिसिन पड़ा लेकिन एक नाइट ही मेन मेडिसिन था। और उसके बाद अचानक आना बंद हो गया 1.5-2 बरस के बाद। उसके बहुत दिनों के बाद उसके घर के लोग आए, इधर मेरी बात हुई, उन्होंने पूछा पेशेंट क्या हुआ, बोले वो तो मर गया। बोला कैसे मर गया, तो बहुत अच्छा जा रहा था। तो वो बताया कि अच्छा तो जा रहा था लेकिन अच्छा होने की वजह से वो बहुत परहेजी करने लगा, रात को नहाने लगा। गांव देहात में रात को नहाना, वहां ठंडा पानी कुएं से निकाल के या फिर तालाब होता है उसमें डुबकी लगा के, उसके बाद अचानक निमोनिया हुआ, दूसरे दिन मर गया। ऐसे मेरी लाइफ में 2-3 केस हुआ है। एक वृद्ध केस का भी जिसे पेट्रोलियम हमने दिया था, वह सब समझ लो कि 80% अच्छा हो चुका था। गर्मी बहुत लगने लगी और बदन में जो उसका हेयरिंग्स वह काम कर गया था, पूरा बदन खारिश से भर गया था। इस कदर इचिंग वो परेशान था। तो उसके बाद
रात एक दिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके घर के लोग सब सो कर थे, चुपचाप उठी और घर के बगल में तालाब था उसमें डूब के बैठ गई। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था। लोग उठे, देखा कहाँ नहीं है, पकड़ो पकड़ो कहाँ, किधर है किधर है, तो देखा कि वो तालाब में बैठी हुई थी। उठा के लेके आए लोग पद्नाथ पहुंच कर। सवेरे से उसको बुखार हुआ, लेके गए हॉस्पिटल, वो लोग निमोनिया हुआ, मर गई। और ये वाला केस भी हुई थी। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है एकोनाइट का, सब सब है, लेकिन एकोनाइट को अपने जिंदगी में अगर तुम कोई जादू दिखा सकते हो तो यू नेवर फॉरगेट इजली एटमोस्फेरिक चेंजेस एंड हाईली एक्सप्रेसिव मेंटल फेयर फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। उसके चेहरे से खौफ टपकता रहता है। एलेंस की नोट में, जो हम लोग एलेंस की नोट पढ़ते थे इकोनॉमिक वाला, उसके सेकंड पेज में पहला लाइन है। अभी तुम है जरा खोल के पढ़ के सुना दो, तुम्हारे वाले एलेंस की नोट में कहाँ पे है। Countenance is expressive of fear. The life is rendered. चेहरा expressive, सिर्फ fear और कुछ, बहुत खुशी, expressive of happiness, but expressive of fear. से उसके चेहरे के हर सेल से खौफ टपक रहा, डर। दैट इज एकोनाइट, व्हाट एवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, वी नेवर बॉदर फॉर कि कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी में अगर आपका मिजाज भटक जाएगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा। और बताइए आप, जैसे ये पापा आप जो बोले कि पॉन्ड में नहाने वाला, तो ये मोस्टली हम आपका जो पेशेंट हमने जो देखा है शुरू से, मोस्टली रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सब से आते हैं। आप बहुत साल वहां जाके एवरी वीक चैरिटी में जाके देखते थे उन लोग पापा। अब जो हम लोग देखते हैं साथ बैठ के, तो उन लोग का ये कॉमन रहता है कि तालाब में नहाए कैसे नहीं, ये क्या बात हो गया। इतना कॉमन है कि उन लोग के लिए पॉन्ड में नहाना कि मतलब कि डेली रूटीन ऑफ लाइफ है। उन लोग इस चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं देता कि नहीं नहाने से अगर मेरा तकलीफ है तो नहाने से क्या ये करना। ठीक बोल रहे। हाँ। ये गांव देहात के, बंगाल के गांव देहातों में एक कस्टम है, बाहर जाना तालाब में नहाना फिर खाना, ये कस्टम है, एक रूल्स बन गया उनके जिंदगी में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं। एक गांव के हेल्दी आदमी के लिए हो सकता है, एक बीमार के लिए थोड़ी हो सकता है। दे कंफ्यूज्ड, उनको मरना पड़ता है। और जैसे कि ये बात आप जो बोले पापा भी कि कच्चा पक्का पढ़ाई जो ये रहता है, मोस्टली जो मैंने देखा है, जो हमारे होम्योपैथिक के बहुत से लोग जो है सीनियर, वो सजेस्ट नहीं करते कि आप ऐसा बुक पढ़ो, चाहे वो गरंसी हो, एलेंस हो, चाहे वो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम वाली किताब हो, चाहे टाइलर की बुक हो। तो वो लोग मोस्टली ऐसी किताब करते हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज। जैसे कि एक कॉमन बच्चा है, उसको कहा जाता है कि आप मिटेरिया मेडिका प्यूरा और ये सब छोड़ के कैथरीन कुल्टर पढ़ो, और आप कहते हैं, आपसे जब मैंने पूछा था पापा कैथरीन कुल्टर, तो आप बोले कि पढ़ो, अगर कहानी अगर पढ़ना है, स्टोरी बुक पढ़ना है तो कैथरीन कुल्टर पढ़ो, लेकिन बाकी अगर होम्योपैथिक पढ़ना है तो गरंसी पढ़ो, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम पढ़ो, हैनेमैन की किताब पढ़ो, एलेंस की नोट पढ़ो, नैश पढ़ो। एक बात हम पूछना चाहते हैं, विथ अपोलॉजी टू कैथरीन, वो जितनी ड्रग को उन्होंने लिखा है, जिसका इमेज बना के लिखा है, क्या उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब करके दिया था, क्या रिजल्ट देखा था? नहीं समझ में आई बात। सपोज कर लीजिए किसी ड्रग को वो किसी पर्सनालिटी से दिखा के एक्सप्रेस कर रही है, क्या उस पर्सनालिटी को वो मेडिसिन देख के ठीक की थी या नहीं? यहां पर एक मिटेरिया मेडिका लिख देना, मिटेरिया मेडिका पढ़ लेना, समझ लेना,
और यूज कर लेना बहुत डिफरेंट इश्यू होता है। वही था, किसी चीज को बहुत आराम लगता है। जैसे कि हम केंट की बात करेंगे, तो केंट की बात ये जचेगा नहीं। केंट करता था, देखता था, रिजल्ट देखता था, फिर प्रिस्क्राइब करता था, फिर बात करता था किताबों। क्या कैथरीन कुल्टर ऐसे ही करती थी? ये आदमी के अपने दिमाग का एक डिल्यूशन है, अपने आप को दिखाने का, एक नया ऑथर के बारे में भूल के ये बताना कि हम और तुम लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो सही मानों में होम्योपैथिक फिजिशियन होता है ना, वो उन्हीं ऑथर को ज्यादा पढ़ना चाहता है जिसकी अपनी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, प्रैक्टिस। और नहीं तो अब बोगर की बात है, बोगर इतना अच्छा पैथोलॉजी और होम्योपैथी की डायनामिसिटी को इतने खूबसूरती से निकाल के अपनी किताब में दिया है। तो मेरा कोई भी एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस अगर कहीं होता है और मैं कहीं अटकता हूँ, आई लुक आफ्टर द BBCR, और कहीं हम नहीं जाते, तो ये आपको एहसास होना चाहिए कि कुल्टर को, कैथरीन को पढ़ने के लिए आपको किस तरह के केसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। वो इंग्लिश लिटरेचर के जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी के लोग थे, जो उनका नेचर था, फितरत था, उसको सामने रख के उन्होंने एक मटेरियल लिख दिया, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था। हम आज भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि जो आप कहानी बना के सुनाते हैं, आप क्या सही मानों में ऐसी कहानी किसी केस में आपको मिला है और आपने दिया है और रिजल्ट हुआ है? इसी तरह का और भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े भयंकर बीमारी का चेहरा वाला केस अपने सेमिनार में दिखाते हैं और खूब इम्प्रेस करते हैं लोग। वैसे ही लोग एक दफा हमारे पास आए सेमिनार के बाद, पूछे सर आपको मेरा सेमिनार कैसा लगा? हमने यही जवाब दिया था, बहुत खराब, एकदम गंदा सेमिनार। शॉक हो गए। तो वो तो नहीं पूछे, लेकिन उनके पास में एक आदमी और बैठ के था, उसने पूछा कि कैसे, क्यों सर आपने जितना ये भयानक भयानक चेहरा, कटा फटा, ट्यूमर निकला हुआ, खून गिरता हुआ चेहरा जो दिखाया है आपने, इसका अच्छा करता हुआ चेहरा दिखाया आपने? यू मेक कन्फ्यूजन इन योर प्रोफेशन ब्रदर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्रोफेशन में अपने ब्रदर्स को, अपने कलीग को और अपने पेशेंट को कभी डराओ मत, इनकरेज करो। अभी ये होता है कि एलोपैथिक के डॉक्टर लोग जो होते हैं उनकी यही होती है, पहले पेशेंट को बहुत डरा दो। हम लोग नहीं डराते, हम लोग इनकरेज करते, हम खुद इनकरेज करते हैं और मेरी मेडिसिन भी जाके ठीक नहीं करती, उसके वाइटल फोर्स को इनकरेज करती। तो इनकरेज का टेम्परामेंट आप में भी, इनकरेज का टेम्पर आपके प्रिस्क्राइबिंग में भी होना चाहिए। नहीं होता है, किताबों में भी आप देखिएगा, मेरे पास जो बहुत ज्यादा किताबें जो खास तौर से मेरे पास रहती, मैं उन्हीं लोगों को पसंद करता हूँ जिसकी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत शानदार थी, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत खुल के उन्होंने अपने मिटरिया मीडिया में बोला। जैसे केंट साहब बोले, वो ठीक, बहुत सा फिलोसफी इधर उधर का चक्कर में आके थोड़ा सा वो ऐसी वैसी बातें लिख दी, लेकिन जो उन्होंने देखा है, जैसे एक एग्जाम्पल बताएं तुमको, वो बहुत अच्छा केस सजा के बोल रहे हैं कि जो पेशेंट है, सीवियर गाउटी कंडीशंस इन द लेग जॉइंट्स पे, पांव के, और वो एक गमला, एक बकेट में बर्फ डाल के पांव दे के बैठा हुआ है। अब ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, ये कोई बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर ही बोल सकता है, एक कहानी बनाने वाले लोग नहीं बोल सकते। एंड दैट इज लीडम। कुछ कुछ केसेस आपको ऐसे ही केंट में पढ़ने सुनने को मिलेंगे, तो वो नहीं, अगर तुम याद करके रख लो और तुम की फिलॉसफी का चक्कर छोड़ो, आप देखो
करोगे कभी भी आपको फेलियर नहीं मिलेगा। मैं केंट को सिर्फ नहीं पढ़ता हूँ, वो क्लिनिकल बेडशीट जो है उसका, उसको हमको देखना, और बेडशीट के ऊपर कोई जो धब्बा होता है ना हम वो नहीं देखते। और इसी तरह में केंट के बाद जो मुझको बहुत ज्यादा नजर आया वो मार्गरेट टेलर भी आई, उसके बाद उनकी एक स्टूडेंट थे बोरलैंड, बोरलैंड के किताबों में देखा, बहुत अच्छे से देखा मैंने वो, आप क्या बोलते हैं एलिजाबेथ राइट हुबर्ड में, ऐसे लोगों को जो पढ़ने के बाद ब्लैकी में देखा मैंने। तो ये जो क्लिनिकल केस को जो दिखा देते हैं बिल्कुल आंख के सामने आपको बिल्कुल बस जाए आपके मन में, अब किसी भी आदमी को एक बार जो बहुत अच्छे से डीडम समझ लेगा पढ़ लेगा या कोई उसको समझा देगा केंट से, तो हमेशा जब भी वो कभी देखेगा कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्वाइंट्स फूटा हुआ है और बर्फ लेकर बैठा हुआ है, फिर आपको सोचेगा नहीं, ये देखने से, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, यहाँ पर पेशेंट जो है बिना बोले तुम प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो, ओनली बाय योर ओन ऑब्जर्वेशन। हमको बहुत लोग बोलता है आप सिम्टम नहीं पूछे, अबे अंधा देख सब नजर आ ही रहा तो आप क्या पूछेगा। इसीलिए जो ऐसे किताबें हैं जिनकी प्रैक्टिस जैसे जीएच क्लार्क की जबरदस्त प्रैक्टिस, उनके जो बहुत छोटे छोटे केसेस वो जो खुद देते हैं वो आप पढ़ के देखो, रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा। और एक पापा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम शशांक भाई के जो क्वायरी है इसमें तो शशांक भाई डिस्कस करेंगे, कुछ पूछेंगे। एक मेरा लास्ट है कि मैंने एक बार आपको बोला था कि पापा जो आप मेडिसिन एक प्रिस्क्राइब कर देते 6-6 महीने तक, फिर आप कोई मेडिसिन नहीं देते, वेट करते, प्लाचिबो देते, रुकते। तो आपने गरंसी से एक मुझे दिखाया था केस कि एक पेशेंट था उसका डायरिया हो रहा था बहुत, तो और बहुत चिल्ला रहा था बच्चा, बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रेस्टलेस रह रहा था, रात में सो रहा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो गरंसी ने उसे एकोनाइट दिया और फिर उसकी जब मदर आई उसके बाद फिर पूछी तो डॉक्टर गरंसी साहब वो बताए गरंसी साहब को कि इसका मेंटल बहुत अच्छा हो गया है, चीख रहा नहीं, चिल्ला रहा नहीं, चुप हो गया है, रात में आराम से सो रहा है, लेकिन इसका डायरिया रुका नहीं है, डायरिया हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो एकोनाइट दिया बस वही काम कर जाएगा, आगे इसका डायरिया भी उसी से खत्म होगा, नो मेडिसिन। तब आपने बताया कि अगर कोई पेशेंट को तुम दवा देते हो, अगर उसका कोई भी सिम्टम अगर ठीक नहीं हो रहा, उसका एपेटाइट अगर ठीक हो रहा है, जर्नलिटीज भी ठीक हो अगर हो रहा है, नींद अच्छा हो गया, भूख अच्छा हो गया, तो कोई मेडिसिन मत दो, जस्ट वेट, वही मेडिसिन उसका रिकवरी करेगा। ये जो बहुत ज्यादा मटेरिया जानेगा उससे नहीं होगा, जो मटेरिया बहुत ज्यादा जानेगा और उतना ही ऑर्गेनन समझेगा वही ये ब्यूटी की दिखा सकता है। हम बोलते हैं उसको प्लेइंग विद द प्लासिबो, प्लासिबो से खेलना, जब तक ऑर्गेनन पे कमांड नहीं आएगा तुम्हारा तब तक नहीं हो पाए। हम अभी हाल फिलहाल में मेरा एक सेमिनार हुआ था, ये ठंडक के वजह से तबीयत गड़बड़ होने की वजह से हम नहीं जा सके, जो मेरा बोलना था ये हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम को लेके बोलना था। मेरा कहना है कि हेयरिंग जिस सिम्टम को गाइडिंग सिम्टम को इस्टेब्लिश करके बोल रहा है, हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, इनफैक्ट वो सिम्टम दिखाया है हनीमैन ने, उसका रेफरेंस दे के हम सोचा था कहीं बनाकर बोलेंगे लेकिन हम जा ही नहीं सके। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत अच्छा मटेरिया जानते हो और ऑर्गेनन कम जानते हो या नहीं जानते हो, तब उसी आदमी के तरह हो जो एक आंख का काना है, इसका एक आंख ही नहीं है, हर चीज को क्लियर विजन, विजन की क्लियरिटी के लिए दोनों आंख से देखना जरूरी होता है
ऑर्गेनिन एंड होम्योपैथिक मटेरियल बेटिका। अब और शशांक भाई का कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड, इसी में खाली तुम क्वेश्चन मत किया करो, अपने साथ साथ दो चार जो तुम्हारे पुराने लोग हैं हम लोग के, उनको भी मौका दिया करो कि वो लोग भी बैठ के अपना कुछ पूछा। मेरा क्वायरी इतना है ना कि वो डेली भी सेशन करेंगे कंप्लीट नहीं होगा। हजार क्वायरी रखो ना, लेकिन यू हैव टू शेयर योर ये जो करते हो इसमें हमेशा अपने लोगों को ज्वाइन कराया। बोलो शशांक, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। सर मैं भी, सर बहुत अच्छा क्वेरी किया है अरकम जी ने, बहुत अच्छा क्वेरी किया है, और स्पेशली सर एनआईएच में बहुत सारा केसेस आपसे सीखने को मिला, और हम लोग जो है वो जो लाइन सर आपने बोले हैं, जैसे कॉन्टिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर और एंड द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, ये जो चीज सीखे सर, इससे बहुत सारा केस आपने बहुत सारा कवर किया। एक केस मुझे याद आता सर, उसमें आप सीए स्टमक का केस था, तो उसमें सर आपने ये देखा था कि उनका ग्रैंड मदर में जो है वो फियर हो गया बहुत, और शायद वो प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम में उन्होंने शेर देख लिया, टाइगर देख लिया, तो उसका फियर बैठ गया और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ गया, तो आपने एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था सर, वो मुझे याद आ रहा है सर। तो नहीं, वो जो हम लोगों का जो एनआईएच का जो ओपीडी था, और आप लोग जितने अच्छे हमारे साथ को वर्कर थे, और आपके पहले के बैच भी और आपके बाद के भी बैच भी बहुत कोऑपरेटिव है लोग, और बहुत अच्छे अच्छे केसेस उनके पास नोट है, आपके पास भी नोट है, आप उसको जितने लोगों को शेयर किया करो। अरकम जो ये बोले हैं उसको भी तुम नोट करके रख लिया करो, रेफरेंस में लिख दिया करो एनआईएच डॉक्टर शशांक, तो इससे क्या होगा कि तुम और दूसरी जगह अगर ये सब बात बोलोगे तो एक रेफरेंस रहेगा। और आज का जमाना बड़ा गंदा है, खुद गंदे लोग हैं, सबको गंदा समझते हैं, तो इसके लिए ये रेफरेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और शशांक शशांक ये लोग जिस जमाने में मेरे साथ बैठा है, एक तो एनआईएच का ओपीडी एकदम पीक में था, पीक तो मतलब खाली ज्यादा पेशेंट नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी, क्वालिटी ऑफ पेशेंट इसमें। उस जमाने में बहुत सारे लोग मेरा सब वो लोग वीडियो वीडियो करके रखते थे, अब तो जिन जिनके पास है कोई मिलता भी नहीं है, क्या बोले आदमी, और हमको भरोसा इतना था कि इन लोगों से लिया नहीं हमने। जैसे वो इस सबसे एरिया वाला केस याद है जो लेडी का, हाँ सर, हाँ वो अगर हारी बहुत अच्छा टेबल पे सर वो पोछा लगा रहे थे। है मेरे पास वो वीडियो है पापा, है मेरे पास कंप्यूटर में है, दैट्स गुड, वो कभी दिखा देना और हमसे एक्सप्लेन करो। और तुमको कुछ पूछना है शशांक? सर आप एक बार बताए थे सर, एक एग्रेवेशन में एक मॉडलिटी है सर, व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, ये बात हुई, ये बात कहो, अभी मैंने इसी एंगल पे एक प्रिस्क्राइबिंग कोविड में किया था, जवाब नहीं, शाबाश, समझे, वो पढ़ के लाइन सुना और कहा सर एग्रेवेशन है उसमें, व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड है, और एक और एक लाइन है सर, ऑन राइजिंग फ्रॉम द रिकमेंडेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम फेंट और गिडी एंड फॉल्स। अब हमको जो पेशेंट बोला वो क्या बोला जानते हो, कि सर घर के लोग बोलते हैं कि जब अपनी माँ को हम सोए रहते हैं जब उठा के बैठाते हैं ऐसे ऐसे बैठाते हैं, तो गोरी हो जाती है, तो मैंने वही सिम्टम का इंटरप्रिटेशन पे एक बनाई दिया था, स्वे रहेगा उसको जो काला हो या लाल, जैसे वो जैसे रेड बोल रहा है ये लोग, वो यूरोपियन कंट्री में भी होता है, अभी हम लोग के यहाँ उतना रेड पेशेंट का चेहरा नहीं मिलता, ज्यादातर बंगाल में और कलकत्ता में और ये कहो कि हिंदुस्तान में,
थोड़ा सा गेहुआ रंग हम लोग का होता है, जब वो उठ के बैठेगा ऐसे एकदम पेल, ये सोचेगा कि सारा ब्लड निकाल दिया, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है। ये अभी तक अरकम नहीं पूछ रहा था तो हम चुप थे, भाई इसकी नजर उस पर क्यों नहीं गई। उसमें कोई सिम्टम ये अगर मिले तो कभी मत सोचना कि क्या बीमारी है। नो इम्पोर्टेंस ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, यू नीड द ब्यूटी ऑफ एक्विनाइट, द इंडिकेशन ऑफ द एक्विनाइट एज पर हनीमन ऑफ जोन 3, दिस इंडिकेशन विल हेल्प यू टू मेक ए वंडरफुल रिजल्ट इन द पेशेंट। मैंने इसमें बहुत जगह बहुत तरह तरह से प्रिस्क्राइबिंग किया है, और कम तुम याद रखोगे जो दो चार याद पड़ेगा वो हम तुमको लिखवा देंगे, और फिर इन लोगों को अपना शेयर। बहुत अच्छा शशांक, बहुत अच्छा चीज याद दिलाया है, एक नाइट की खूबसूरती। ये कह रहा ऐसा सिम्टम है जिसकी मैंने एनालिसिस की, बहुत से बड़े बड़े लोगों के पास ये प्रिस्क्राइबिंग का एक इंडिकेशन था, उन्होंने यूज किया, बहुत सक्सेस रहे। हम भी बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन का मिजाज चाहिए, ऑब्जर्वेशन का एटीट्यूड चाहिए, ऑब्जर्वेशन का टेम्परामेंट चाहिए। अगर ये आपका है और थोड़ी देर पेशेंट के सामने अगर बैठ सकते हो, वो कॉन्टिनेंस जो है चेहरे का तुमको मिल जाएगा, लेट के बैठने वाला सिम्टम मिल जाए। फिर वहां कुछ देखना नहीं है, कौन सी बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है। वाह, थैंक यू, आई एम सेइंग फुल ऑफ लव एंड रिगार्ड टू यू दैट यू रिमाइंड मी ए मेडिसिन इंडिकेशन विच इज वंडरफुल इंडिकेशन, वंडरफुल। तुमने एक्विनाइट की, एनआईएच की, ओपीटी की लाज रख ली, और कुछ और कुछ पूछना सर इसमें? पहला लाइन में जैसे कुछ बात हो गई है हमारी, जैसे इजीली वाली बात हो गई है, वो भी है। इसमें रिजिड फाइबर की भी बात है सर, डार्क हेयर एंड आईज है, रिजिड फाइबर है। दूसरा फिर फ्रॉम एग्रेवेशन फ्रॉम ड्राई कोल्ड एंड विंड एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर, सर इसके बारे में भी बोलेंगे सर। सर ये देख लो कि मोस्टली जो टिपिकल एक्विनाइट का पेशेंट मिलता है, उसमें अगर उसका बदन ऐसे छू के देखोगे ना, पल पल नहीं करेगा, लूज नहीं होगा कभी नहीं। ग्राफाइटिस छू के देखोगे लूज नहीं होगा, कैप्सिकम छू के देखोगे लूज, छू पे दबाओगे तो दबता रहेगा, एक्विनाइट पे दबेगा नहीं, स्टिफ। ये हम लोग कभी कभी एक्विनाइट को प्रिस्क्राइबिंग करने एक बार छू के देख लेते, और एक्विनाइट जो मैंने देखा है, मुझको गोरे चिट्टे लोगों में भी बहुत मिला है, थोड़े काले सांवले लोगों में भी मिला है, तो इसलिए इसमें हमको बहुत फिक्स होके नहीं बोलने पा रहे। दूसरी जो वो लाइन तुम बोलो, ये अरकम फिर कहाँ चला गया पता नहीं। जी जी जी, पहला लाइन देखो, वो जो कॉज जो पहले दो तीन लाइन के अंदर हनीमन बोल रहा है एलियंस की नोट में, एलियंस में, वो दिखाओ हमको जरा सर, मार्क करो उसको तो, तुम मगर मार्क नहीं है तो कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। एक बात, ड्राई कोल्ड एयर अगर इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे तो एक नाइट काम नहीं करेगा। हम तुमको एक केस अपना बताते, अच्छा लगा हमको, ऐसे ही केस था बॉम्बे, ये शशांक बॉम्बे का है, इसको पता है कि कैसे बॉम्बे में गणपति बप्पा का जो जुलूस निकलता है तो उसमें क्या हालत होता है।
सब जाम। उसमें एक लड़का था, अपने ऑफिस से निकला, अब जाम में क्या करता, पैदल चलना शुरू किया। और बॉम्बे में हर चीज करीब नहीं है, सब चीज दूर दूर। वो लड़का चलते 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 थके पसीना से वो ऐसा वैसा होते हुए घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद उसी वक्त नहा लिया, उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी, सॉरी ठंडी हवा चल रही थी, और फिर नहा भी लिया। उसके बाद शाम होते होते बुखार आ गया, और बुखार होते होते क्या हुआ कि आस्ते आस्ते वो ट्रीटमेंट होने लगा, और वही रॉन्ग ट्रीटमेंट, बुखार के लिए ये दिया वो दिया, ऐसा किया वैसा करते करते क्या हुआ कि वो कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद हम उस जमाने में बॉम्बे गए थे, तो वो हमारे गुरु जो है उनका बेटा था, स्कूल लाइफ में मैं उसके पास पढ़ता था। तो मैंने ये देखा कि सब केस टेकिंग, केस टेकिंग क्या लगे, वो कोमा में पड़ा हुआ तो केस टेकिंग क्या हो, जितना मुझको उनके लोगों से पता चल सका मैंने कंसीडर किया। उसके बाद मैंने फिर पूछा कि अब ड्रग बहुत सारे और कम से कम 3-4 महीना हो गया, तो मैंने कहा भाई देखो हमको प्रिस्क्राइब करने के लिए एक किताब चाहिए, बोगर बोनिगेशन का मिटरिया मेडिका हमको ला दो। पूरे पूरे नहीं यार, ला तो नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा। बोले चलो चलो, उसी हॉस्पिटल के पास वो अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसका घर था ये, तो मैं वहां गया। तो मैंने कहा BBCR निकाला, निकालने के बाद पट्टी में मैंने देखा जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत देर ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहाँ पर ट्विचिंग था, ये सब ट्विच कर रहा था और था सिम्टम। ये मुझको याद नहीं था किस मेडिसिन में, प्रिस्क्राइबिंग मेरी तैयार थी, लेकिन वो बोलते हैं ना इतना फाइनल चीज को पकड़ के आप चलोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, उतने ही प्लासिबल से खेलोगे। फिर देखा तो उसमें मिला हमको डलका मारा, मेरा जी खुश हो गया बिल्कुल। क्यों कि जब वो चला था पसीना था तो उसका जो इफेक्ट हुआ उसका ड्राई कोल्ड नहीं था, ड्राई कोल्ड था ही नहीं। मैंने ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है आज तक, क्वेश्चन पूछे हो इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे ड्राई कोल्ड अगर होता और वो नहा नहीं होता और उसका स्वेटिंग नहीं होता तो हम एकोनाइट कहते। और एकोनाइट इसलिए भी नहीं दिया कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्कोमिटेंट इंडिकेशन इस अनकंसियस लेवल में भी मुझको मिल रहा था, तो अनकंसियस लेवल में इंडिकेशन और ओरिजिन के केस में एकोनाइट, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ओरिजिन के केस में भी डलका मरा, पसीना पसीना, पानी पानी, वेट वेट, और नहाना और पेट रखना वो करके, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाना, और फिर आके आज भी ब्लिंकिंग क्या कह रहा, डलका मरा डलका मरा डलका मरा डलका मरा, एकोनाइट नहीं कह रहा। इसको बोलते हैं कंसेंसुअसनेस प्रिस्क्राइबिंग, जल्दी में हम होते हैं वहीं एकोनाइट मार के चले आए होते। एटमॉस्फेयर की चेंजेस की बात है, जैसा एकोनाइट में कहा जाता है, अरे है देखिए एकोनाइट का होगा तब ना, वो तो डलका मारा का था। एंड आई एम गोइंग टू सिग्नल आल्सो द ब्लिंकिंग ऑफ
फेशियल मसल स्पेशली अराउंड द माउथ एंड हमने डलका मारा दिया। लोग जो मेरे साथ थे वहां थोड़ा हंसे भी, 3 महीना से पेशेंट और कितने 1.5 महीना या कितने से अनकंसियस है, कोमा में है, दिया मैंने और जितना दिन भी इलाज किए हम, वो डलका मेरा ही रहा। लेटर स्टेज में उसको फिर मैंने बाद में जब वो कंसेंशियस हो गया थोड़ा सा, बहुत दिन तक अनकंसियस था ना, तो उसके एक्सट्रीमिटीज जो है डिफॉर्म्ड हो गए थे, तो उसको फिजियोथेरापी करके मैंने उसको लाइकोपोडियम दिया था बहुत लेटर स्टेज में। कहने का मतलब है जब कभी आप डलका मारा का बात कीजिएगा तो ये याद दिलाइएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे कि डलका मारा इज गोइंग टू कवर ऑल 3 माइज़ोम। और बंगाल के लोग जब प्रिस्क्राइब करते हैं डलका मारा तो इसमें बंगाल की ब्यूटी और गहराई दोनों चीज होती है। बहुत सारे केस रिजल्ट है। मैं एक डिफरेंस शशांक बता रहा था, एक नाइट प्रिस्क्राइब करने की जगह थी, मैंने नहीं किया इसलिए कि सिम्टम नहीं था, सिम्टम था डलका मारा का और इफेक्ट में भी अभी तक डलका मारा ब्लिंक कर रहा था। इस कॉज इज गोइंग टू बी कोइंसिडेंस और कनेक्टेड विद द इफेक्ट, सो फिलोसफी इन द बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट प्रिस्क्राइबिंग। और डलका मारा और जैसा रिजल्ट दिया भी उसने, तो एक नाइट के लिए हम आप लोग को इतना कहेंगे हम कि एकोनाइट का एलेंस की नोट जो है और एनो एकोनाइट का एक चीज और गरंसी, हम नहीं कहेंगे कोई और आदमी इतनी खूबसूरती से एकोनाइट को बयान किया। एक चीज पापा हम इस पे बोलेंगे डलका मारी वाली बात पे, डलका मारा वाली बात पे, डॉक्टर अफीफा अफीफा बाजी जो है आपने ये बताया था, उसका एक पेशेंट था एपिलिप्सी का केस था, अनकॉन्शियस हो गया था, न्यूरो साइंस गया वहां पे, उसको डॉक्टर बोला कि 2 लाख रुपया आप पेमेंट करिए उसके बाद एडमिशन लेंगे, वो बेचारे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं हो रहा है, तो अफीफा जी ने कहा कि आप फौरन घर के पास, हमारे घर से पास ही में है क्लिनिक न्यूरो साइंस का, तो वो लेके आई और जब देखी तो अफीफा बाजी ने सिर्फ एक सिम्टम देखा कि लिप्स का अपर ट्विचिंग हो रहा था और उन्होंने डलका मारा दिया, अब पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, एपिलेप्सी का अटैक भी आते आते वो कम हुआ, आज भी है और बिल्कुल ठीक है, बड़ी हो चुकी है बच्ची। जो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन की जो इफेक्ट है, होम्योपैथिक का मेडिसिन कभी क्योर करते ही नहीं है, ठीक करते ही नहीं है, वो तो वाइटल फोर्स को जाके इंक्रीज कर देता है, एग्जीग्रेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, एंड दैट इज द वर्क जॉब ऑफ वाइटल फोर्स टू इरेडिकेट द डिजीज। यही है कि हम लोग कम से कम मेडिसिन देते हैं, खाली एक्साइट ही करना है ना, उसके लिए पूरा बोतल काहे को खिलाएगा, एक ऑल्फेक्शन दे दिया बहुत है, तो ऐसा रिजल्ट होता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको मालिक ने आपको दोनों आंख दिया है लेकिन अकल से आप सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं तो उसमें आपके आंख का कभी कसूर नहीं है, उसके आपके अकल का कसूर है। ठीक तरह एक होम्योपैथिक डॉक्टर सब पढ़ के सब कुछ करके खाली होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को कंसीडर करके प्रिस्क्राइब करता है, ना ना ना, नॉट गुड, दिस इज one-sided. You should be prescribed with the help of organ and the art of prescribing. आपका prescription कभी fail नहीं होगा, result और result देगा ही देगा। तो एक नाइट के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम लोगों ने, जो हमारे साथ उस जमाने में लोग थे वो evidence है इस बात के कैसा रिजल्ट होता था। और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एक चीज पापा इसका हम बोलेंगे कि बिनय का एक दिन मुझे मैसेज आया कि भैया मेरा तबीयत खराब है, बहुत हाई फीवर है और
उसका फास्फोरस 3 आप हमेशा उसको बोलते हैं कि उसका जो ब्लीडिंग होता है एपिटैक्सिस उसमें लेने तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसको फीवर आया और उसे फास्फोरस ले लिया, उसके बाद भी उससे कोई रिलीफ नहीं, तो उसने मुझे मैसेज किया और मैं आपसे पूछा कि वो पापा बाहर घूमने गया था, उसको ठंडा लगा है, शायद कोई चीज फंक्शन अंक्शन था, कहीं घूमने गया, कोल्ड एक्सपोजर लगा और उसके बाद से उसको बहुत फीवर आया हुआ है, रेस्टलेस है, पानी का प्यास बहुत है। आपने कहा कि उसको एकोनाइट बोलो 200 लेने के लिए, सिंपल वो एकोनाइट लिया, उसका फीवर उतर गया। हाँ क्या आवाज नहीं आ रहा बिना, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेडफोन यूज कर लो या कुछ कर लो। हेलो। हाँ भाई बोलो। सर, मैं भैया को मैसेज किया सर कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, कफ हो गया है, हाई फीवर है, और मैं थोड़ा बाइक से बिना हेलमेट का 20 दिन पहले थोड़ा घूम लिया था, तो मैं बोला बहुत हालत खराब है, तो सर भैया बोले कि एकोनाइट 200 1 आवरली लेने के लिए, और 1 आवरली लेने के बाद मेरा 4-5 डोज में ही फीवर पूरा चला गया, 101 डिग्री फारेनहाइट फीवर था, और नेक्स्ट डे मेरे को कफ बच गया। तो फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया कफ अभी भी है, तो भैया ने बोला 3 आवरली रिपीट करने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे के अंदर कफ भी ठीक हो गया। ये क्या है कि वो जो बोलते हैं ना कि सिर्फ मेटेरिया का नॉलेज नहीं, ऑर्गेनन का भी नॉलेज चाहिए, और रिजल्ट तो होएगा ही होएगा। अरे रिजल्ट कहा ही नहीं होगा, बताओ ना, ये तो प्रूविंग में हम लोग देखा है, क्या ऐसा हुआ है तो तुम पर कहा ही नहीं होगा। अगर प्रूविंग वाली बात हम लोग को नहीं रहती तो हम लोग को सस्पिशन रहता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन एकोनाइट तो प्रूव किया है, प्रूफ किया है तो ठीक भी करेगा। ये सिंपल आर्गुमेंट नहीं इसको कहो, ये डायलॉग था हनीमैन का इन ऑर्गेनन में कि तुम जिस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हो अगर वो वही सिम्टम प्रोड्यूस किया है तो वही मेडिसिन काम करेगा। हनीमैन ने ऐसी बहुत सारी जगहों पर ये बात बोला है ऑर्गेनन में, अब हमको याद नहीं है, नहीं तो हम एक दफा नोट करके रखा था कितने बार बोला है। आप लोग भी नोट करके अपने में देख लो कि आपको पता लगेगा कि बहुत दफा हनीमैन ये कहता है, इफ यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब रेमेडी रेमेडी यू हैव टू वॉच द प्रोड्यूस इन द प्रूविंग, सिम्टम वही प्रोड्यूस करेगा, उसको वही क्यों करेगा। एक उन्हें प्रोड्यूस करेगा, डर का मारा ठीक करेगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। आम का पेड़ का गुठली अगर लगाओगे तो जामुन कभी होगा ही नहीं, ये सिंपल एग्जांपल है कि एकोनाइट अगर है तो एकोनाइट ही ठीक करेगा। एक बात याद, कभी आप लोग का मेडिसिन कोई दे रहे हो और फेल कर रहा है, हमेशा चेक करना कि जो प्रिस्क्राइबिंग का इंडिकेशन है वो ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है, वो मेडिसिन ये प्रोड्यूस किया है तो वेट एंड वॉच, तो देखो कि गड़बड़ है, नहीं है तो चेंज योर मेडिसिन। ये एक मेरा नया सॉल्यूशन है, जब हम लोग कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज योर मेडिसिन, हम लोग तो प्लासिबो से खेलते हैं या नेक्स्ट हायर पोटेंसी से खेलते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा आर्ट है कि अपनी गलती को हम लोग हटा के सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे केसेस में हम लोग की थोड़ी सी जल्दी के वजह से, थोड़ा से कम नॉलेज होने की वजह से हम लोग कभी कभी गलत प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और सोचते हैं कि सही है। ऐसे में अगर काम नहीं कर रहा तो बस यही सोचो कि एक बार अपना प्रिस्क्राइबिंग ठीक कर दो और देखोगे कि सही माने में उसकी जैसे कमी मिल जाएगी आप रख दो। जैसे आपके केस में यू आर टिपिकली ए पेशेंट ऑफ फास्फोरस, टिपिकल, इसलिए हम कहते थे कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो फास्फोरस 3 ले लिया, लेकिन
फास्फोरस ये जो फीवर ऐसा प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई फास्फोरस नॉट वर्क यो वर्क ये सिम्टम जो थे उसने ये लोग बताया हमको. ये क्या लिख रहे हैं, हनीमैन टेल्स अस नॉट टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट विथ मेंटल सिम्टम. नहीं समझ में आ रहा है हमको. एलेंस की नोट में मुझे बहुत अच्छी ब्यूटी एक लगती है पापा की, बहुत से बड़े राइटर जो है वो बड़े लोग का रेफरेंस देते हैं. वो दिखा तो एनिमन ने पहले ही कहा है कि अगर आप एकोनाइट दे रहे हैं द एंग्विश ऑफ द माइंड एंड बॉडी ये होना ही चाहिए, मस्ट है, तभी एकोनाइट आप चूज करो. मे भी उनको कुछ मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग में मिस टाइप हो जाता है ऐसा. ठीक है भैया, और मैंने ये कि वो जो उस जमाना जो चल रहा था वो बहुत कोल्ड वेव चल रहा था, ड्राई कोल्ड वेव. तो जब इसने कहा हमको ये विनय की ऐसी तबीयत है, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं, यही बात लिखा है. तो हमको ये पता चल गया कि विनय ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. अब वो इतना स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक चेंजेस में फंसा हुआ है, वी शुड नीड एन हेल्प ऑफ एकोनाइट. तो मैंने कहा कि एकोनाइट के द्वारा हो, ये सब भी अच्छा है, इससे भी आदमी सीखता है. जैसे बोलते ना छोटा बच्चा है, चलना सीखने के लिए बहुत बार उसको गिरना पड़ता है, गिरता है उठता है. और भी कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन? सर एक लाइन लिखा हुआ है, सर हेलेंस में एक लाइन लिखी हुई है, मेंटल एंजाइटी वरी फियर एकॉम्पेनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट. कहाँ अरकम, ठीक से पढ़ के बताओ भैया. एनिमल वाले लाइन के बाद वाला, दिस मेंटल एंजाइटी वरी फियर एकॉम्पेनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट. ट्रिवियल एलिमेंट मामूली सी मामूली बीमारी में भी जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं पढ़वा करो, लेकिन बीमारी बीमारी वहां ये जो कॉज हनीमन दिखा रहा है मेंटल कॉज, अगर वो मिल जाता तो आप एक आइडिया ले सकते हो. मोस्ट ट्रिवियल, यहाँ ये मत सोचना कि अब इसको जरूरत नहीं है दवा की, नहीं, मेंटल सिम्टम तो परसिस्ट कर रहा है ना, वरीज तो है ही उसकी, एंजाइटी तो है ही उसकी, फेयर तो उसका है ही, सब है, और उसका सिर का दर्द हो रहा है एकोनाइट, सब है, लेकिन उसका डायरिया हो रहा है एकोनाइट, सब है, उसके आंख से पानी गिर रहा एकोनाइट, सब है, लेकिन उसको खांसी हो रहा एकोनाइट, उसका रहना जरूरी है, अगर वो नहीं है यू चेंज एकोनाइट. लेकिन ये फिजिकल लेवल में मेंटल कॉन्कोमिटेंट ऑर्गेन किसका एकोनाइट का होना इस बात की दलील है कि सिर्फ एकोनाइट से ठीक होगा और किसी चीज से ठीक होगा. दैट्स वाई बहुत सारी चीजें जो एलेंस की नोट में जो इन लोगों का कोटेशन दिया हुआ है, और भी हनीमन जैसे आदमी का जिसका अपना ऑब्जर्वेशन अपना एक्सपीरियंस कभी फेल ही नहीं करेगा, और फेलियर वाली बात हनीमन ने कहीं दिखा ही नहीं, इसलिए हनीमन के ऊपर बहुत विश्वास लगता है कि सब फेल होगा, हनीमन कभी नहीं फेल होता है. इसलिए हनीमन को कुछ भी मिले बहुत आसानी के ऊपर उसके बेस करके प्रिस्क्राइब करके सिट ऑन द रेमेडी हो जाओ प्लाज्मा बोस के. हम कभी कभी प्रिस्क्राइबिंग में देखते हैं इसका प्रूवर कौन था, अगर प्रूवर हनीमन है तुम 10 तरह का प्लाज्मा दे देंगे हम, मेडिसिन चेंज नहीं करेंगे. अगर जिस सिम्टम पर मैंने प्रिस्क्राइब किया है वो हनीमन की प्रूविंग है, इसलिए कभी कभी आप लोग प्रूविंग पढ़ा करो, और जिसमें हनीमैन की बात अगर प्रूविंग की है
तो उसको एकदम दिमाग में नोट करके रख। और शशांक कुछ बोलोगे? जी सर कुछ सब सारा पॉइंट तो डिस्कस हो चुका है सर एक्यूरेट का। ये क्या बोल रहे हैं, एक मिड क्वेरी क्या बोल रहे हैं सर, इफ द फिजिकल सिम्टम हैव आरजीआर बट नॉट मेंटल सिम्टम डू वी कंसीडर एकोनाइट, कैन वी कैन यू एक्सप्लेन इंशाल्लाह। क्या मतलब? वो कह रहे कि अगर मेंटल सिम्टम नहीं रहे सिर्फ फिजिकल सिम्टम रहे तब भी हम क्या उस पे ये कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? फिजिकल सिम्टम एकोनाइट का हो तब ना, क्वेश्चन यही गड़बड़ है। सिम्टम होना चाहिए फिजिकल में हो या मेंटल में। मेंटल में है तो वाह, फिजिकल में है तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं। और किसी को कुछ पूछना है भाई? सर सल्फर कहा, इसमें सल्फर बोला गया है सर कि कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट का, सल्फर जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोगों को कहाँ पे सल्फर देखना चाहिए, कहाँ जरूरत हो सकता है? एक चीज बस मोटी वाली बात बताते हैं, टिपिकल सल्फर की पर्सनालिटी है और एक्यूट फेज में कोई ऐसा कोल्ड लग के ऐसा हुआ है, डोंट फॉरगेट एकोनाइट। और कुछ पूछो मत। एक्यूट केसेस ऑफ टिपिकल सल्फर, अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल जाए एकोनाइट एकोनाइट एकोनाइट, और कभी भी एकोनाइट अच्छा रिजल्ट दे दिया है तो उसके बाद एक डोज सल्फर का थ्री डाल दो, रिलैप्स नहीं होगा। बस यही एक अच्छा प्रिस्क्राइबिंग का एंगल सीख लो, क्योंकि अब तुम दूर भी बहुत हो चुके हो। तो ये बताने का मेरा मकसद यही है कि इसमें प्रिस्क्राइबिंग का एंगल आपके साथ बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का आर्ट आना चाहिए, इंडिकेशन आना चाहिए। जैसे अभी मैंने बच्चों के केस में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का जो एंगल बताया है, जो इंडिकेशन बताया है, उसमें अगर टिपिकल सल्फर मिलता है तो मोस्ट एक्यूट में एकोनाइट दे दो, और एक एकोनाइट अच्छा रिजल्ट हो जाए तो एक डोज, फॉर सिक्योरिटी सेक टू नॉट रिलैप्स सल्फर थ्री दिया करो। मेरा अपना पोटेंसी है, हनीमैन का पोटेंसी है, लेकिन मेरा बिलीव इस पर बहुत है थ्री पे। बहुत सारे लोगों को मैंने सल्फर थ्री, फास्फोरस थ्री, सीपीया थ्री, नक्स भूमिका थ्री, ये कुछ मेरे ऐसे थ्री है जिसका एक अपना एफेक्ट करने का पावर है, और ये हनीमैन की पोटेंशियल है। हनीमैन का पहला फास्फोरस थ्री वाला, फास्फोरस थ्री का परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास बैठा हुआ विनय कि ऐसा एपिटेक्सिस होता था बेचारा कि परेशान, इतना ब्लीडिंग होता था कि वो, और एक चीज था कि जैसे कि अब होता है और एक, अब सर नहीं होता है, दो बार हुआ था, आपने फास्फोरस थ्री दिया था एक एक दो दो साल के अंतराल पे, लेकिन अब नहीं होता। चलो ठीक है यार, बहुत अच्छा है सर, आपने सल्फर थ्री भी मुझे दिया है। तुम गए, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ बुक फेयर में गए थे तुम, बहुत किताब खरीद के लाए, बहुत अच्छा लगा। जो आदमी किताब खरीदेगा पढ़ेगा, नहीं कंप्यूटर में नहीं किताब में, तो इसके पढ़ने का जो एक बहुत खूबसूरती है वो बगल में रिमार्क्स, या तुम्हारा अपना या फिर हमारा बताया हुआ या तुम्हारे किसी गुरु का बताया हुआ, पास में जो लिख देते हो ना उससे उस किताब की खूबसूरती बढ़ जाती है, जो अब इसमें थोड़ी होता है। तो जंक फूड है, जंक फूड, न जंक फूड खाना चाहिए न जंक फूड पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा। अच्छा ये जो तुम लोग गए सब किताब लाए अपना खोल खोल के, सबका
रिफ्रेश एंड फॉरवर्ड जरूर पढ़ो, उसके बाद फिर हम जब बात करेंगे। हेयरिंग गाइडिंग का भी सर ऑर्डर दिए हैं, हेयरिंग गाइडिंग के लिए भी सर अभी सर आने वाला है, अरकम भाई के लिए भी दिए हैं। तुम बोलोगे उसका जो इंट्रोडक्शन हम बता देंगे पढ़ने के लिए। हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ये चले गएगा तुम्हारे पॉकेट में आ गया, इतना आसान कर देंगे। और शशांक हमारा अभी बॉम्बे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम नहीं गए। थोड़ा ठीक ठाक हो जाइए, जो मौसम इतना खराब चला है। खराब है सर, हाँ यहाँ पे भी बहुत खराब है मौसम के साथ। ठीक है, हाँ हाँ सर, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक चीज बोलेंगे पापा कि जैसे आपका जो पीडियाट्रिक का सेशन जो चल रहा है, ये लास्ट एक पीडियाट्रिक का जो वेबिनार आपका चलता है, तो उसमें मैंने देखा है एक तो दो सेशन आपने बताया, एक प्लासेंटल बॉन्ड वाला, एक मदर और बेबी का जो कनेक्शन रहता है, एक आपने बताया कि जायगोट फॉर्मेशन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, क्या क्या ये, और थर्ड जब आप जो मेडिसिन पे आए, ऐसी मेडिसिन जो मोस्टली कोई बच्चे में यूज नहीं करता है, और थर्ड मैंने बताया ड्यूरिंग लैक्टेशन, माँ जो है अपने आप को अपने बच्चे में अपना खून देती है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बच्चा स्कूल गोइंग होने लगता है, मैंने बताया है वो, अब ये और फोर्थ में अगर मौका मिला हमको, फोर्थ सेशन अगर हुआ तो उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइपिंग, जैसे एक चीज मैंने बता दिया अभी, सल्फर का टिपिकल, अभी हम सल्फर अभी डिस्कस नहीं किया है, टिपिकल सल्फर है और एक्यूट फेज डेवलप हो गया ड्यू टू द एटमोस्फियर और ड्यू टू द मेंटल कॉन्कॉमिटेंट है, तो गिव एकोनाइट 3, एकोनाइट 30, एकोनाइट 12, वो ठीक हो जाएगा। Then you give one for security sake, sulfur 3. ये इस तरह का prescribing का angle, ये fourth session में हमने सोचा है, आप लोग को discuss करेंगे। जैसे कि पापा last जो session था उसमें आपने बच्चे में insulinum कैसे use किया जाता है, anti tart not only for the rattling of the chest, वो हटा कर। I am claiming शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जो इंसुलिनम बच्चों के केस में यूज करते हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट होता है। और एंटीम टार्ट मेडिसिन विदाउट रेटलिंग ऑफ द चेस्ट वाला कंप्लेंट छोड़ के इतना एंगल आपने दिखाया है, नेक्स्ट आपने इग्निशिया अमारा जैसी मेडिसिन को आप रखे कि नेक्स्ट में इग्निशिया अमारा बताऊंगा, नेट्रम म्यूर बताऊंगा, तो बच्चे में शुरू में रखा था कि डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस ही नहीं कर पाए फिर, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चीजें जो किताबों में नहीं है, नहीं बोला जाता है, उसको बोल दो। तो उसमें मैंने ये देखा, जैसे कि एक और मेडिसिन बीसीजी वो इसलिए बोला कि डॉक्टर अंसार की बच्ची थी, वो लेके आया था, उस सब मेडिसिन देने के बाद वो बेसिलाइनम भी दिया, ये दिए, उसका जा नहीं रहा था, ठीक नहीं हो रहा, बहुत परेशान था, तुमने बीसीजी दिया, लाजवाब रिजल्ट हुआ। तो अंसार तुमसे पूछा था कि सर किस बेसिस पर प्रिस्क्राइब किए हैं, तो तुमने जब मुझको बताया तो हमने सोचा अक्सर ही हम अंसार को क्यों बोलेंगे, जो मेरी पूरी ऑडियंस है उसको सबको बता दो। एंड उसी वक्त मेरे दिमाग में आया, मैंने प्लान किया कि बच्चों के केस में बीसीजी हम कैसे यूज करते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहता है, और तुम देखोगे कि जो लोग यूज करेंगे कभी फेलियर नहीं होगा। कुछ कुछ मेडिसिन ये मेरा 8 साल 10 साल रेगुलरली जबरदस्त तरीके से हम यूज किया है, एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन ऑफ क्यूरेटिव प्रिस्क्राइबिंग। समझे शिकांत, तुम भी शिकांत ये एक बार तुम देख लोगे, और कभी मौका मिले तो मत भूलना,
बीसीजी प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने एक चीज बता रहा सर आपको प्रिस्क्राइब करते हुए, हाँ एक चीज देखना कि बच्चा एकदम सूखा सूखा कॉन्स्टिपेटेड प्रोस्टेटेड, वो जो बात सिम्टम है वो है, ये चीज जरूर देखना। इजाजत है शशांक, इजाजत है जी सर। एक एक चीज पापा, एक एक लास्ट की, अब जो हम लोग नेक्स्ट सेशन वेबिनार का जो करेंगे पीडियाट्रिक का, जो नेक्स्ट सेशन अब होने वाला आपका, जिसमें आपने कहा इग्निशिया नाइट्राम्यूर एथुजा साइनपियम, ये हम 7-8 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, और जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें तो पता ही है, और जो नहीं ज्वाइन करते वो मैं अपडेट करूंगा। एक चीज और पूछेंगे एलेंस की नोट का रिलेटेड, एक चीज एलेंस की नोट के रिलेटेड एक और पूछेंगे पापा। जैसे अभी मैंने आपके एक जानने वाले हैं, फ्रेंड है, उनके घर गए थे हम लोग बांग्लादेश केसेस देखने, उनके पूरे फैमिली जो दिखाते हैं, तो स्लाइटली डिटेक्ट हुआ है कि इससे पहले भी जो हम लोग गए थे देखने, उन लोगों को होम्योपैथिक का बहुत फेथ है। और मुझको याद है कि उनमें नसीम भाई जो है उसको कुछ दुनिया में समझ में नहीं आएगा तो यही कहते थे चलो कलकत्ता चलो मेरे मकान से दिखा देंगे और ठीक हो जाएगा। दो कैंसर, एक कैंसर बोन का केस लेके आए थे अपना भतीजा का, उसके घर वाले सब खिलाफ थे। आज वो लड़का क्रिकेट खेलता है, आज वो लड़का बहुत अच्छे से भी अपना नौकरी कर रहा, जिंदगी गुजार रहा है। 2-3 केसेस वो कैंसर का लेके आए थे हमारे पास, तो उस आदमी का फेथ बहुत है होम्योपैथिक पे, इसी वजह से उनके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो उसमें एक चीज पूछना था पापा कि जो हम लोग केस देखने गए थे और भी पहले भी देखने गए थे, इससे पहले भी और रेगुलर देखते, उनके पूरे फैमिली को और भी जो बहुत से लोग हैं वहां भी दिखाते आते, तो मेलिग्नेंसी कैंसर सेल का डिटेक्शन हुआ है थायराइड का, वो था कि सस्पेक्टेड ये होगा, उसे बायोप्सी वगैरह कराने बोल रहा है, लेकिन उन्होंने कराया नहीं है, लेकिन मोस्टली कैंसर सेल डिटेक्टेड। आपने सारा सिम्टम लिया था हमने जो बताया, आपने कार्सिनोसिन दिया, कार्सिनोसिन मिक्स दिया उन्हें उसे, और मैंने एलेंस की नोट जो इकोनॉमिक पब्लिशिंग वाला है उसमें मैंने पढ़ा है कि कार्सिनोसिन में लिखा हुआ है अगर किसी को कैंसर होता है या सस्पेक्टेड है तो नेवर गिव कार्सिनोसिन। और मैंने ऐसे एक केस में, बहुत से ऐसे केसेस में आपको देखा है कार्सिनोसिन कैंसर रहने के बाद भी आपने दिया और मार्वेलस रिजल्ट। और अभी जो मैंने कार्सिनोसिन मिक्स जो चला उनका कुछ टाइम से जो चल रहा है, और अभी रिजल्ट आया कि कैंसर सेल है भी कि नहीं उसे पता नहीं, वो सस्पेक्ट का बहुत माइन्यूट में, इतना माइन्यूट में कि उसको बायोप्सी करके भी नहीं चेक किया जा सकता, इतना माइन्यूट सेल है कोई, अब क्या सेल है वो भी पता नहीं। तो इतना मार्वेलस, इतना अच्छा रिजल्ट, और कार्सिनोसिन मना किया जा रहा है फिर भी कार्सिनोसिन, ये एक चीज अगर बता दीजिए तो इंडिकेशन, हम लोग इंडिकेशन इंडिकेशन अब थ्री जी नॉलेज ऑफ द डिजीज कॉमा इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन डोमिनेट कर रहा है तो डायग्नोसिस चूल्हे बाण में जाए, डोमिनेट करना चाहिए, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द जजमेंट एंड जजमेंट इज नीड होम्योपैथिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड फिलोसॉफी। बस कार्सिनोसिन तो हमसे भी बहुत ज्यादा लोग जानने वाले हैं, किताब लिख दिए हैं लोग, लेकिन मालिक ने इतनी मेहरबानी दी है कि सही जगह पे सही कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करा देता है, रब की बड़ी दया है, बड़ी दया है। अच्छा लगा तुम्हारा ये सेशन, हम उनको थोड़ा, हाँ अब हम लोग इसी पे एंड करते हैं सेशन को, और तुम काम क्या करो, जो मेरे पुराने लोग हैं उनको लेके आया करो, ठीक है तो अच्छा रहे। जी 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 ओके, और थैंक यू एवरीवन। कभी 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 संडे वाला क्लिनिक में 10 मिनट 15 मिनट का एक ऐसा शो कर दिया करो, वहाँ कुछ केसल बैठे रहते हैं, अच्छा अगर इसमें ठीक है, जैसे बिना लोग आते हैं अगर हेल्प कर देंगे हमको, जो हम लोग का रश रहता है टिम्बर में वो देखने में टाइमिंग, तो बहुत हम लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, पेशेंट को रिक्वेस्ट कर दो जी, ऐसा बात है, ये बिना वो नहीं कर देता है, समझा देगा, पेशेंट थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, लेकिन अभी अब पहले ऐसा मेरा पेशेंट लोग नहीं था,
अब तो थोड़ा सा है, ऐसे लोग हो गए हैं कि अब क्या किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ समझा देना तो 10 मिनट 15 मिनट में कोई बात नहीं, सामने केस रहता है ना वो दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा थैंक यू जी सर। प्रणाम। प्रणाम सर। जुग जुग जी, जुग तुम्हारा बच्चा कैसा है? ठीक है सर, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। घर में तो तुम्हारे घर के सब लोग को अपने फादर मदर मेरा रिगार्ड बोलोगे? जी सर। इसको ये कर दे, बंद कर दे। कर दे रहे हम, कर दे रहे हम।